हम देख भी रहे ना, आपके आंख में भी आंसू आ रहा है। देखिए पता था, दे रहा है मेरे को, बच्चे लोग को बोला है कोई बच्चा भूखा नहीं जाना चाहिए। हम लोग, मैं और उनकी मम्मी तो नमक रोटी खा के जिंदगी निकाला है। खुशी मिलती बच्चे लोग को 5 रुपये वड़ा पाव देके। 20-25 साल पहले जो स्कूल में पढ़ते थे, वो टाइम हमारी गरीबी बहुत थी। बोले सब गलती क्या है, बोला सब मैंने क्या गलती किया है, बोलते साइंस का वड़ा पाव ला। बोला हाँ सर, चांगल्या चांगल्या मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये, कुठल्या मोठमोठ्या दादरमध्ये तुम्ही बघता ना, त्याच्यामध्ये पण असे वडापाव नाही आहेत। पण यांच्याकडे वडापाव एवढा सुंदर आणि एवढा मस्त भेटतो, आणि खास करून गरिबांची सेवा करतात, गरिबांचा आशीर्वाद घेतात, ही लई मोठी गोष्ट आहे आणि परमेश्वर यांना लई सुखी ठेवणार। बढिया वडापाव बनाते हैं और रेट भी एकदम रिजनेबल है। स्कूल के बच्चों के लिए 5 रुपये में वड़ापाव आज की तारीख में कोई नहीं मिलता। लगी डब्बे में बेसन में थैली खड़ा था, वहाँ के मास्टर ऑफिस का ऑफिस था। अच्छा, इंचार्ज ऑफिस है ना, सामने ही आ गया था रेलवे का। हाँ, रेलवे का वासी स्टेशन पे। तो वासी स्टेशन का जो मेन साहब है ना, उसने देखा तो पुलिस को भेजा, आरपी वाले को बोला, वो जरा वो थैली ले लेना, उसको नीचे उतार दो। आरपी वाला आया, बोलते है खाली उतर। मेरा सर का आया, मजे टिकट पास सर्वे बोलते ना, आप नीचे उतरो। बोला मैं नीचे उतर गया तो थैली लेके, बोलते ऑफिस में चलो। मेरा साहब गलती क्या है, लगेज डब्बे में तो जनरल डब्बे में है ही नहीं। बोलते वो मालूम नहीं है, आप ऑफिस में। मैं थैली लेके गया, लेके गया तो आगे जो था सीट उधर बैठा था, पीछे साहब बैठे ला था इंचार्ज, ठाकुर करके इंचार्ज था। तो बाद में आया तो हाथ भी मिलाया। बोला सर मैं आपको पहचाना नहीं। बोला वासी स्टेशन का इंचार्ज। बोला सब मैंने क्या गलती की है, बोलते साइंस का वड़ा पाव ला। बोला हाँ सर, जब भी मेरे को कुछ आउट हो गया, फिर ठंडा मीठा मंगाया, चाय भी पिलाया, बाद में सेल्फी लिया। बाद में बोलता है अभी तो मैं काम करूँ, फर्स्ट क्लास डब्बे में जाऊँ। बोला नहीं सर, मेरा लगी डब्बा ही फर्स्ट क्लास है। तो जैसे व्यूअर्स, अभी आपने सुनी ली है सतीश जी की जुबानी, कैसे इनका यहाँ पे मुंबई में सब लोग वेलकम करते हैं, इनका इज्जत करते हैं। तो चलिए आज फिर एक नए ब्लॉग को करते हैं, शुरुआत ये मुंबई के। इस वक्त हमें सायन के वेस्ट में सतीश जी के वड़ा पाव पे, और इनका वड़ा पाव ये ऐसा वैसा वड़ा पाव नहीं है जैसे आपको ये भीड़ दिखाई रही होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, बड़े बूढ़े बच्चे सभी आते हैं इनका वड़ा पाव का टेस्ट करने। नमस्ते सतीश जी। नमस्कार सर। तो पूरा नाम क्या है सतीश जी? सतीश जोहर गुप्ता। कितने साल से ये वड़ा पाव कर रहे हैं सतीश जी? सर ऐसा तो वड़ा पाव स्कूल का कैंटीन चला रहा था तो कम से कम 30-40 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो काउंटर डाला मैं धंधा, 12-13 साल हो गए। अच्छा, 12-13 साल। 12-13 साल में इतने पॉपुलर हो गए आप सतीश जी। ऐसे हमने जो सुना था कि आप स्कूल के स्टूडेंट को, बच्चों को वड़ा पाव 5 रुपये में दे रहे हो, ये सही है? सही है सर, बच्चे सामने है उनसे कंफर्म कर लीजिए। अच्छा, ये बच्चा 5 रुपये में वड़ा पाव ली बेटा? ओ गुड, टेस्टी लगता है अंकल का वड़ा पाव। आज भी 5 रुपये में वड़ा पाव दे रहे हो आप? आज भी स्कूल के बच्चे लोग का यूनिफॉर्म में आएंगे, 5 रुपये वड़ा पाव है। बस यूनिफॉर्म में आना चाहिए, आना चाहिए कोई भी स्कूल का है। जैसा यहाँ पे साइन में कम से कम 7-8 स्कूल है। अच्छा। जैसा गौरी जाते है, सेकेंडरी है, डीएस है, साधना विद्यालय है। अच्छा। वल्लभ है, पीपल हाई स्कूल है, सब बच्चे यहाँ शाम को आ जाते हैं। हमको क्या है, इधर 300-400 वड़ा पाव निकालना पड़ता है, 300-400 लड़के लोगों को खड़ा करना पड़ता है। इतना बच्चा आ जाता है? हाँ, तो पेपर चालू है। अभी फिर भी 2 बजे से फिर भी बच्चे तो आ ही रहे, जैसा बच्चे रेगुलर भीड़ तो हम देख ही रहे, लेकिन स्टूडेंट भी बीच बीच में आ ही रहे। हाँ, इतना वड़ा पाव आपको सर्व करना होता, निकालना है, निकालना ही पड़ता है। तो आप आते कितने बजे सतीश जी? यहाँ पे 2 बजे काउंटर चालू हो जाते हैं। 2 बजे आ जाते हो? जैसे ही 12:30 1 बजे तक आ जाता हूँ। 1 बजे आने के बाद में पेपर काटना, पानी भरना, ये सब वो करना पड़ता है। तो 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है? हाँ, 1:30 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 2:45 बज जाते हैं। तो कितने बजे तक चलता है फिर ये? 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक। तो सतीश जी, इतना महंगाई के जमाने में आज भी ये वड़ा पाव 5 रुपये में, मतलब क्या है सर, उसके पीछे रीजन क्या है? खुशी मिलती बच्चे लोग को 5 रुपये वड़ा पाव देखे। अच्छा। जो हमारे बच्चे 3-4 बच्चे हैं। हाँ। आज 15-20-25 साल पहले जो स्कूल में पढ़ते थे, वो टाइम हमारी गरीबी बहुत थी। स्कूल में कैंटीन चलाता था, कैंटीन छूट गया, 3-4 महीना घर पे बैठा था। अच्छा। उस टाइम हमारा हालत बहुत खराब था। ये हमारे बच्चे जो काउंटर पे खड़े हैं, जब वो BMC स्कूल में पढ़ते थे, 6 बजे छूटते थे तो बोलते पापा भूख लगा है, तो एक घोड़ा लेता था 2 रुपये का, 1.5 रुपये का पाव 6 लेके आता था, थोड़ा थोड़ा भाजी तोड़ के खा उन लोगों को खिला के फिर निकलता था। अच्छा, एक वड़ा पाव में इतना सब खा लेते थे? हाँ, ऐसे ही मुसीबत था। इतना डेंजर हालात। हम लोग, मैं और उनकी मम्मी तो नमक रोटी खा के जिंदगी निकाला है। नमक, इसलिए ऐसा हालत है। अब इधर काउंटर डाला है, ऊपर वाला दे रहा है मेरे को, बच्चे लोग को बोला है कोई भी बच्चा भूखा नहीं जाना चाहिए।
तो अभी हम देख भी रहे ना, आपके आँख में भी आंसू आ रहा है, देखिए। तो ये यानी आपकी जिंदगी का रियलिटी ये है। जी हाँ। आपको बच्चे कितने सती जी? 3 लड़का है और 1 लड़की। 3 लड़का 1 लड़की। तो ये भाई बड़े है क्या? बड़ा। भाई आपका क्या नाम है? अरविंद। अरविंद जी, तो देखिए ये बड़े लड़के हैं अरविंद जी सतीश जी के। तो ऐसा ये आपका स्टोरी है, और उसके बाद फिर आपने क्या सोचा ऐसा? बस इधर काउंटर डाला सर, इधर भी काउंटर डालने में बहुत मुसीबत आया, बहुत झेला। उसके बाद धीरे 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 सब सेटिंग हुआ। जब इधर चालू किया था तो बम्बई के अंदर वड़ा पाव 6 रुपया था, तो मेरे काउंटर में 5 रुपया था। बच्चे 1 रुपया भी लाते थे तो फिर भी उनको वड़ा पाव देता था। अच्छा जी हाँ। 1 रुपया भी अगर लाते स्कूल के बच्चे? हाँ तो भी वड़ा पाव। हाँ जब भी बम्बई के अंदर, फिर 8 रुपया हो गया, फिर 10 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया, फिर 15-20 हो गया, फिर भी मैं काउंटर पर अपना पब्लिक सिटी का 12 किए, बच्चे लोग का नहीं बढ़े, बच्चे लोग का खाली 5 ही रुपया रखा, अभी भी रख रहे हैं। तो आपका कैसा मैनेज करते, क्योंकि इतना तेल आटा सभी महंगा हो गया अभी। उनसे नहीं कमाएगा, जो बाहर के आदमी पगली 12 रुपये कमा रहे हैं, दे रहे हैं, उससे 1 रुपये अपने को मिलता है, उसी में अपना खुशी है। उसी में खुशी है, बस कोई भूखा नहीं रहे। बस हाँ वही, आप किसी को भूखा नहीं देख सकते। नहीं, बच्चे लोग उस स्कूल के जैसा भी सब बच्चे आ रहे यूनिफॉर्म में, वो लोग अगर आते हैं बीएमसी के तो उन लोग को हम लोग मना नहीं करते। और कोई कोई बच्चे तो ऐसे आ जाते हैं ना, अंकल वड़ा पाव तो भूख लगा है, दे दो, बोलो मत पैसा है कि नहीं, पूछे ही मत। अगर बहुत बढ़िया वड़ा पाव बनाते हैं चाचा, अब रेगुलर इनके कस्टमर। आने के बाद ये ऐसी फास्ट सर्विस रहती है आपकी दिन भर? हाँ सर, सर्विस चालू रहते हैं, सब इसमें बिजी रहते हैं, इसमें कोई भी खाली नहीं रहता। अच्छा जी सर, ले लो चाय। आप ही लीजिए। अब हाँ लो ना, ले रहा हूँ, ये इधर रख दो। नहीं नहीं, आप ही मैं लेता हूँ, रहने दीजिए। तो देखिए जी, सतीश जी ने हमारे लिए आते ही चाय बना दी, देखो चाय मंगा दी है, चाय पिला है। पहले आप बोले चाय पियो सर, उसके बाद बाकी का। तो ऐसे होते हैं देखिए, अपने कुछ जो लोग हैं, एक लड़की थी वो नहीं छोड़े, दिल्ली से आई थी। अच्छा, डायरेक्ट फ्लैट से आई। हाँ हाँ, संता क्रूज से, वो बोली मेरे को साइंस सर्कल जाने गए, वो बैग भी सब लेके आई। नहीं एक्चुअली सतीश जी क्या है ना, देखो जो डाउन टू अर्थ सोचता है ना, उनके लिए आप मिसाल हो। सही बोल रहा ना पाजी? ये वो मामा आता है ना, कोई दूसरा वड़ा पाव देगा नहीं देगा, बराबर ये सामने का। हाँ वो बोले एक दिन देगा, वो हमको डेली देते हैं। ये देखो, और क्या है ना, देखो मुंबई की ऐसी हिस्ट्री है ना, क्या यहाँ पे आज जो लखपति अरबपति बड़े बड़े जो हो गए ना अभी, सेलिब्रिटी या जो भी कहेंगे, उनने भी ये वड़ा पाव खा के बड़े हुए है ना। मुंबई का वड़ा पाव और एक जो अपनी लोकल ट्रेन है ना, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन वो चलने के लिए और ये चलाने के लिए। राइट। अभी आपके लड़के क्या कर रहे हैं सतीश जी? मैं तीनों धंधे में सर। अच्छा, सब आपको हेल्प करते हैं? हाँ, सुबह उठेंगे, बराड़ा उबालेंगे। अच्छा, सब मिर्ची विर्ची साफ सफाई वो सब, सब इसी में लगते हैं, कोई भी अलग बिजनेस में नहीं है, सब इसी धंधे में, इसी में। लेकिन सबको पढ़ाया आपने? हाँ पढ़ाया सबको, कोई 10वीं कोई 8वीं तक करके छोड़ दिया, लास्ट में पोजीशन खराब हो गया तो बच्चे लोग छोड़ दिया। इधर धंधे में सपोर्ट दिया खाली। तो अभी ये वड़ा पाव फ्राई हो रहा है, ये अभी वो जा रहे हैं, वो भट्ट है। अच्छा, मराठी पंडित है। पंडित है, राइट, भट्ट मतलब पंडित है। हाँ वड़ा पाव खा, वो किधर भी नहीं खाएगा, कोई होटल में नहीं खाएगा, किधर पूजा पाठ करने को उधर भी नहीं खाएगा। वो बोलेगा अभी काउंटर चालू हो गया, उधर से वड़ा पाव लाओ, मैं खाएगा, पानी पिएगा तो जाएगा। यानी आपका पूरा श्रद्धा के साथ लोग वड़ा पाव भी खाते हैं? जी हाँ। ये आप लोग कौन सा स्कूल गए? साइंस से। आप किधर से बोले? दो मिनट बात करके लो। 5 रुपए में डेले आते हो बेटा? और टेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, 5 में ऐसा टेस्ट किधर नहीं मिलेगा ना। थोड़ा बहुत चटनी कौन कौन सा है भाई? इतना सब पड़ता है आपके वड़ा में? कांदे ने तो वादा किया है। भाई की सर्विस भी देखिए कितनी फास्ट है, जैसे ही कस्टमर आता है फटाफट वड़ा ये यहाँ पे सर्व करते है। और ये छोटे भाई है क्या? क्या नाम है भाई? आप दोनों तीनों पापा को सपोर्ट कर रहे हो? आपका क्या नाम है? सूरज। सूरज, आप सबसे छोटे हो, आप भी हेल्प कर रहे हो पापा को?
स्कूल कॉलेज क्या हुआ आपका? छोड़ दिया, मन नहीं था सर। अच्छा, कि कहाँ तक पढ़े लेकिन? सेवन स्टैंडर्ड। अच्छा, सब अभी पापा के बिजनेस में लगे हो? सब पापा के बिजनेस में। मजा आता है ना काम करने में? सर, बहुत मजा आता है। अच्छा, इतना ताकत लगाना होता है इसको? बाल बारीक करना है। गुड, बाल एक साथ में नहीं बनते। बराबर। हाँ, अच्छा, पूरा फ्रेश फ्रेश बनाते हो आप? सब आधे आधे घंटे में, जैसे उसका मसाला, होड़ी का मसाला अलग, धनिया अलग, नमक अलग, अच्छा, मराठा अलग, पूरा फ्रेश फ्रेश मिलता है। इसके बाद में जैसे अभी माल इधर का खत्म हो गया तो वो माल रेडी करने के लिए 10 मिनट पहला उनको बोले, अभी वो माल रेडी हो गए। बराबर। तो उसका टेस्ट अभी आधे घंटे तक चलते हैं, ज़्यादा टाइम तक भाजी लगेगा तो उसका टेस्ट भी बदल हो जाते हैं, माल खट्टे हो जाते हैं। बराबर, सही रहेगा। यानी आपको सभी सोचना है? सब थोड़ा सोचना। ठीक है, अपना सतीश जी का वड़ा पाव आ चुका है, ये साइन वेस्ट का, और साथ में जैसे आप देख रहे हैं हरी चटनी, घाटी मसाला, लाल चटनी, और साथ में दिया इन्होंने ये बढ़िया बढ़िया सा मिर्च। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं वड़ा पाव को। नहीं, बहुत ही क्रिस्पी वड़ा पाव है, और मसाले और चटनी का ऐसा बढ़िया था, इसमें ब्लास्ट हो रहा है चटनियों का, इतना बढ़िया सा स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया। 12 रुपये में और क्या चाहिए भाई, मुंबई में इससे अच्छा और इससे सस्ता वड़ा पाव कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए साइन में सतीश जी के ये वड़ा पाव पे, साइन सर्कल पे, और उठाइए ये वड़े का लुप, सिर्फ 12 रुपये में। तो सतीश जी, आपका ये जो वड़ा पाव है वो इतना टेस्टी है, क्या बताएं आपको, पूरी चटनी वगैरह इतना ना मौस अंदर से ऐसा ब्लास्ट कर रही थी मुंह में, बहुत ही बढ़िया वड़ा पाव है। तो आपका ये ऐसा वड़ा पाव हमारे व्यूवर्स को अगर खाने के लिए आना है तो कहाँ आना पड़ेगा सतीश जी? साइन सर्कल, विजय सेल्स के सामने, इंदिरापुरी बिल्डिंग, मुंबई नंबर 4022। तो ये सामने विजय सेल्स है आपके? जी हाँ सर। ओके, तो चलिए सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और आप जो काम कर रहे हो ना इसके लिए एक बार फिर सैल्यूट आपको, बढ़िया।